अभी मैं MRT से सफ़र करूँगा और मैं जा रहा हूँ वुडलैंड्स, जो कि मलेशिया के साथ सिंगापुर का बॉर्डर एरिया है। तो अभी इधर से लेंगे MRT। ये बुकी स्टेशन है, बुकी स्टेशन से जाएंगे सिटी हॉल स्टेशन और वहाँ से एक दूसरी MRT लेंगे रेड कलर की, जो जाएगी वुडलैंड्स। MRT स्टेशन पे कुछ इस तरह की मशीन्स लगी हुई हैं, आपने अपना कार्ड जस्ट इस जगह पे प्लेस करना है और ये आपको बैलेंस शो कर देगा। $16 मेरे कार्ड में बैलेंस है और यहाँ से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। अभी इस जगह पे आएगी MRT और मैं बुगी से जस्ट एक स्टेशन आगे सिटी हॉल जाऊँगा और वहाँ से रेड कलर की MRT लेके जाएंगे वुडलैंड्स। यहाँ की MRT बिल्कुल बैंकॉक जैसी है। अभी सिटी हॉल स्टेशन पहुंच चुके हैं और इधर से लेंगे दूसरी MRT। ये है हमारा स्टेशन वुडलैंड्स। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. ये पहुंच के वुडलैंड स्टेशन। ये वुडलैंड MRT का नीचे वाला फ्लोर है, यहाँ से आप बसेस ले सकते हैं। अभी मैं इधर से बस लूँगा 911 चेक पोस्ट जाने के लिए, जो सिंगापुर मलेशिया की चेक पोस्ट होकर जाने के लिए। तो इधर से आप मलेशिया जाने के लिए भी बस ले सकते हैं, मलेशिया भी बस जाती है इधर से। तो अभी इधर से लेंगे बस नंबर 911 सिंगापुर मलेशिया बॉर्डर जाने के लिए। ये रही 911, इधर जाके बस का वेट करेंगे। ये रहा वुडलैंड ट्रेन चेक पॉइंट, ये सारे लोग वेट कर रहे हैं बस का। हमारी बस 911, और ये रहा हमारा कार्ड।
चलेंगे ऊपर वाले डेक पे। ऊपर वाले डेक से व्यू ज़बरदस्त आता है। बैठेंगे इधर फ्रंट सीट पे। ये रहा जी व्यू। ये सिंगापुर और मलेशिया का बॉर्डर एरिया, और इस स्टॉप से आप ट्रेन लेके मलेशिया भी जा सकते हैं। ये सारे लोग ट्रेन से उतर के ही आ रहे हैं। मलेशिया से जो सिंगापुर के लिए ट्रेन आई है, तो इस रास्ते से आप आगे जा के उधर से ट्रेन भी ले सकते हैं मलेशिया जाने के लिए। ये सारा एरिया सिंगापुर और मलेशिया का बॉर्डर एरिया, और वो जो ऊपर आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं वो मलेशिया में हैं। ये सिंगापुर की हैं और वो जो सामने नज़र आ रही हैं वो मलेशिया। ये सारी चेक पॉइंट है, इधर से लेके ये सारी चेक पॉइंट है। ट्रेन भी जाती है और बसेस भी जाती हैं इधर से मलेशिया के लिए। और सिंगापुर एक बहुत छोटा सा कंट्री है, तो इस वजह से रहाइश के लिए इस तरह के कॉन्डोमिनियम टाइप अपार्टमेंट्स बने हुए हैं पूरे सिंगापुर में, और इनको ब्लॉक कहते हैं सिंगापुर में। और हर ब्लॉक के ऊपर उसका एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये 24 है, ये 25 है आइडेंटिटी के लिए। और ब्लॉक्स के बाहर हर घर के सामने, विंडो के सामने इस तरह के हैंगिंग क्लॉथ्स के लिए रैक्स बने हुए हैं। बिल्कुल इसके सामने मस्जिद भी है। और बहुत खूबसूरत मौसम है और बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत एरिया। वो जो सामने बिल्डिंग्स हैं वो मलेशिया। ये सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान जो ब्रिज है वो है। मैं अभी सिंगापुर में मौजूद हूँ, और वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो मलेशिया का सिटी जोहर बारू है। और इस ब्रिज से गाड़ियां मलेशिया में जाती और वापस सिंगापुर में आती हैं। ये लोग मोटरसाइकिलों पे भी मलेशिया से सिंगापुर के लिए आ रहे हैं। बारिश भी अभी शुरू हो गई है। ये सामने जो है ये सारा मलेशिया का शहर जोहर बारू है। इस ब्रिज से अभी ट्रेन भी गुजरेगी जो सिंगापुर की वुडलैंड चेक पॉइंट से मलेशिया के शहर जोहर बारू जा रही है। इसकी टिकट जस्ट 5 रिंगेट या 1.7 सिंगापुरियन डॉलर है, और ये तकरीबन हर एक घंटे के बाद चलती है सिंगापुर से जोहर बारू और जोहर बारू से सिंगापुर।